सिर्फ सच। योग दिवस कार्यक्रम के दौरान भाजपा से राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि को अपमान का सामना करना पड़ा। दरअसल राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि को ना तो आमंत्रण पत्र में स्थान मिला और ना ही उन्हें मंच पर स्थान दिया गया, जिससे वो नाराज हो उठी और कलेक्टर पर एक विशेष वर्ग से होने के नाते उपेक्षा करने का आरोप लगाया। जब ये दर्द सार्वजनिक रूप से भी छलका तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष से की गई। इसके बाद आक्रोशित वाल्मीकि समाज ने कलेक्टर का पुतला फूंका। इस दौरान पुलिस बल और जिला प्रशासन के अफसरों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करते हुए एक युवक को गिरफ्तार भी किया, लेकिन वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों ने पुतला फूंका और अपमान नहीं सहने की बात कही। और यहाँ तक कि जब इनविटेशन कार्ड जो छपा गया उसमें भी उनका नाम नहीं था। जब इसके तहत कलेक्टर से मिलने गई तो कलेक्टर साहब ने भी उनको टाइम नहीं दिया। ये बार बार उपेक्षा वाल्मीकि समाज की उपेक्षा है, उनके सिर्फ सांसद की उपेक्षा नहीं, पूरे वाल्मीकि समाज की उपेक्षा है। इससे पूरी वाल्मीकि समाज व्यथित है, आहत है। इस प्रदर्शन की सबसे खास बात ये रही कि स्थल के आसपास भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू और अन्य भाजपा नेता भी नजर आए। इनकी मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। खबरें ये भी मिली कि भाजपा नगराध्यक्ष वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों को समझाइश देकर पुतला दहन रोकना चाहते थे, लेकिन आक्रोशित लोगों ने इस मामले में बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। इस विवाद के संबंध में जब भाजपा नगराध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा विषय नहीं है, हालांकि उन्होंने प्रोटोकॉल का पाठ जरूर पढ़ाया। प्रोटोकॉल में यदि राष्ट्रपति आता है तो राष्ट्रपति का पहले अभिवादन राज्यपाल करते हैं, सेकंड नंबर पे मुख्यमंत्री करते हैं, फिर मेयर करते हैं, उनका एक नाम, सब नाम सीरियल तय रहता है, उस सीरियल के अकॉर्डिंग ही अधिकारी और नेता खड़े होते हैं, उसमें आगे पीछे भी नहीं हो सकते। यदि मान लो मेरा नाम चार नंबर पर है तो मैं तीन नंबर पर नहीं खड़ा हो सकता, ये तय बात है। कांग्रेस के बाकी विवेक तनखा जी का था, विधायकों का था, ये था नाम था, मैंने देखा है नाम। और कांग्रेस ने उस पूरे इतना बड़ा आयोजन का बायकॉट किया, तो ये क्या उचित बात थी? क्या हो सकता है कि जिला प्रशासन ने नाम दिया हो, क्योंकि कार्यक्रम जिला प्रशासन करना था, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हूँ ना, इसलिए मेरा कोई इशू नहीं है। ये देखिए, सुमित्रा वाल्मीकि जी राज्यसभा सदस्य हैं, हमारी माननीय नेता है, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। अब यदि पार्टी को कुछ निर्णय करना हो तो प्रदेश का नेतृत्व करेगा, क्योंकि मैं नगर संगठन का अध्यक्ष हूँ, इसलिए वो मेरे हाथ का विषय नहीं है। बेहतर होगा इस मामले में यदि माननीय बी डी शर्मा जी से या प्रदेश के अधिकारियों से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा। इस प्रदर्शन के बाद कलेक्टर ने राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि से फोन पर माफी मांगते हुए कहा कि जैसा ऊपर से निर्देशित किया गया था मैंने वो किया। यही नहीं, कलेक्टर ने व्हाट्सएप पर माफीनामा भी भेजा। बहरहाल कलेक्टर की माफी के बाद भी मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि ने इस अपमान को लेकर संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाया है। भाजपा संगठन भी अपने स्तर पर मामले को ठंडा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कब और कितनी सफलता मिलती है ये अभी सामने आना बाकी है।